देखिए, आज के जमाने में फिनेंशियल लर्निंग आपको होना जरूरी है। तो इस वीडियो में आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बताएंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, कैसे लोग म्यूचुअल फंड में पैसा निवेश करते हैं, SIP क्या होता है, वन टाइम क्या होता है, ठीक है, और ये वन टाइम क्या होता है, लमसम अमाउंट क्या होता है। तो सारा का सारा जानकारी आप इसी वीडियो में मिल जाएगा आपको, और इसमें आपको मिल जाएगा कि आप डीमैट अकाउंट कैसे खोले, डीमैट अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है, जैसे ग्रो में, स्टॉक में, और भी आपको जरूरत इस वीडियो में मिल जाएगा। इक्विटी फंड, इंडेक्स फंड क्या होता है, और लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप जो भी है, इंडेक्स फंड, मोमेंटम फंड, फ्लेक्सी कैप, ये सब, ELS टैक्स सेवर फंड क्या होता है, सेक्टरल फंड क्या होता है, सारा का सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपका रिटर्न कैसे देखते हैं हम लोग, रिटर्न का, ठीक है, EMU क्या होता है, कितना कौन सा फंड मैनेज कैसे करता है, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एग्जिट लोड क्या होता है, ठीक है, NAV क्या होता है, फोलियो नंबर क्या होता है, इसी वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। रिडीम क्या होता है, स्विच क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी कैसे लगता है, और टैक्स का इम्प्लीकेशन कैसे होता है, और सबसे लास्ट बात, अल्फा कैसे काम करता है, बीटा कैसे, यानी म्यूचुअल फंड के बारे में A to Z पॉइंट आपको मैं इसी वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, और थोड़ा बहुत आपको समझ में आ जाएगा। और इसमें रिटर्न कितना मिलेगा, आप कितना से SIP शुरू करना चाहते हैं, 200 से कि 100 से, 500 से, सारा का सारा चीज आपको इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और सभी को मैं लाइव दिखाऊंगा कि ये चीज ये होता है एक अकाउंट में, ठीक है। तो आप जानते हैं कि इन्वेस्टर दो प्रकार के होते हैं। देखिए, इन्वेस्टर मतलब है कि एक सक्रिय इन्वेस्टर होता है, एक निष्क्रिय इन्वेस्टर होता है। निष्क्रिय इन्वेस्टर और सक्रिय इन्वेस्टर में क्या क्या अंतर है, थोड़ा सा ये समझ में आपको आ जाएगा। सक्रिय इन्वेस्टर का मतलब ये हुआ, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है, इसके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, सक्रिय इन्वेस्टर के बारे में, जो लोग अपने से शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, निकालते हैं, ठीक है, और अपने से विड्रॉ कर लेते हैं, अपने से स्टॉक चुनते हैं, उसको सक्रिय निवेशक बोलते हैं। और वैसे लोग भी होते हैं जो नौकरी पैसा करते हैं, यानी दूसरे काम में लगे हुए हैं, ठीक है, दूसरे काम में लगे हुए हैं, और दूसरे काम में लगे रहने के बावजूद भी शेयर बाजार में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उसे निष्क्रिय निवेशक आते हैं। इसके लिए निष्क्रिय निवेशक है कि चलिए उसके लिए एक अलग से व्यवस्था किया हुआ है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल फंड बोलते हैं। म्यूचुअल फंड, देखिए, म्यूचुअल फंड में क्या होता है, SIP करना होता है, या तो वन टाइम होता है, या तो फिर आप लमसम होता है। तो SIP क्या होता है, SIP का मतलब है कि देखिए, आपके पास फिक्स टाइम में सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें होता है कि फिक्स हर महीने आप क्या करते हैं, 100 रुपया, या 500 रुपया, 200 रुपया, 1000 रुपया, 5000 रुपया, क्या करते हैं, बैंक से आपका डायरेक्ट कट जाता है और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाता है, उसको SIP बोलते हैं। और वन टाइम क्या होता है, वन टाइम में होता है कि आप जब आपके पास पैसा है तो आप उसको क्या करिए, इन्वेस्ट कर दीजिए। मैं सारा का सारा बताऊंगा कि कैसे करना है, और ग्रो ऐप में भी मैं बता दूंगा कि आप टेंशन ना लीजिए। लमसम क्या होता है, अगर आपके पास माना कि कहीं से पैसा 1 लाख रुपया आ गया, 50,000 आ गया, या 2 लाख रुपया आ गया, तो डायरेक्ट किसी चीज में इन्वेस्ट कर देना, वो लमसम अमाउंट होता है, ठीक है। तो SIP का मतलब समझ गए होंगे। तो म्यूचुअल फंड में यही तो खूबसूरती है कि आप बहुत कम पैसा से, 100 रुपया से भी SIP शुरू कर सकते हैं, 100 रुपया से भी SIP शुरू कर सकते हैं, 500 रुपया से भी SIP शुरू कर सकते हैं, 1000 रुपया से भी कर सकते हैं, और SIP का पावर बहुत बड़ा होता है। अगर SIP का पावर देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक पावर मैं दिखाता हूँ, SIP का पावर आप देखिएगा ध्यान से। एक आपके सामने SIP का कैलकुलेटर मैं खोल के रखा हूँ, ठीक है, SIP का पावर सिर्फ आपको दिखाने के लिए। यदि हम 500 रुपये पर महीना डाल देते हैं 15 साल के लिए, 15% एक्सपेक्ट करते हैं रिटर्न का, 15% इजी से एक्सपेक्ट मिल जाता, तो देख लीजिए आप 500 रुपये पर महीना डाल रहे हैं 15 साल, तो आपने कितना जमा किया, 90,000 जमा किया, और आपको 3,38,000 रुपये मिल रहा है। यदि आप यही ईयर आप 20 साल में बदल दें, यही ईयर को आप 20 साल तक आप 500-500 रुपये महीना जमा करते रह जाए, तो सोचिए देखिए इसका क्या हो गया, 20 साल में देख लीजिए इसका कितना अमाउंट बढ़ जाता है। देखिए 20 साल में ये हो जाता है, आपने 1,20,000 रुपये जमा किया और 7,57,000 रुपये इसका वैल्यू हो जाता है। यदि आप यही प्रक्रिया आप 5 साल और कर दे, तो देखिए इसका, देखिए सारा का सारा खेल समय का, सारा खेल किसका, समय का है। देखिए अगर 500 रुपया महीना, मात्र 500 का SIP से आप क्या कर सकते हैं, 25 साल अगर जमा कर दिए आप, तो 16-17 लाख रुपया हो जाएगा। यदि आप अमाउंट बढ़ा दे, 1000 कर दे, 2000 कर दे, तो देखिए कितना फर्क हो जाएगा। तो इसलिए SIP करना बहुत जरूरी है, SIP करना बहुत जरूरी है आज के दिन में। जो लोग SIP नहीं कर रहे हैं, औरों की अपेक्षा काफी पीछे है, ठीक है। और म्यूचुअल फंड एक ऐसा चीज है जहां आपको रिटर्न
देखिए एसबीआई में रिटर्न आप जाते हैं क्या करते हैं, एसबीआई में आपका माना कि खाता है, एक सिंपल सा उदाहरण में दे रहा हूँ, एसबीआई में आपका अगर खाता है तो आपको कितना अमाउंट मिल रहा है, क्या मिल रहा है, सेविंग में क्या मिलता है आपको, सेविंग में मिल रहा है मात्र 4%, और एफडी कराते हैं तो 6.5 से 7% मिलता है। लेकिन आप म्यूचुअल फंड में इजी से 15%, 12%, 15% आराम से कमा सकते हैं, एक बिना किसी ज़्यादा रिस्क से, समझ रहे। तो इसलिए एसआईपी करना जरूरी है, ठीक है। एसआईपी करना क्यों जरूरी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड से इजी से कमाया जा सकता है 15% के आसपास, 12%, 15% आराम से कमाया जा सकता है। तो एसआईपी करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, या तो म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करने के लिए सबसे पहले आपको एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, ऐसा अमाउंट होना चाहिए, डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट के जैसे कि आपने नाम सुने होंगे ग्रो का, ठीक है, अपस्टॉक का, ठीक है, फाइव पैसा का, जीरोधा एंजल, किसी में भी डीमैट अकाउंट आप एक खोला लीजिए। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको आपको लगेगा कि आधार नंबर लगेगा, पैन नंबर लगेगा, अकाउंट नंबर होना चाहिए किसी भी बैंक में, और आधार मोबाइल से लिंक होना चाहिए, एक ईमेल आईडी लगना चाहिए, ये सब आपका जरूरत पड़ेगा एक डीमैट अकाउंट खोलने में, ठीक है। तो डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपके पास क्या लगेगा, आधार नंबर, पैन नंबर, अकाउंट नंबर, एक ईमेल आईडी, और मोबाइल को आधार से जुड़ा हुआ होना चाहिए, तो इतना जरूरत पड़ेगा आपका डॉक्यूमेंट का डीमैट अकाउंट खोलने के लिए, ताकि आपका पैसा पहले बैंक से डीमैट अकाउंट में जाएगा, फिर डीमैट अकाउंट से आपका म्यूचुअल फंड में जाएगा। अगर म्यूचुअल फंड, चलिए म्यूचुअल फंड में तो पैसा डायरेक्ट डीमैट अकाउंट से ही कटता है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाइए आपका म्यूचुअल फंड के बारे में, म्यूचुअल फंड में आप इक्विटी इंडेक्स फंड के बारे में जानकारी मिल जाएगा आपको, इक्विटी फंड के बारे में, इंडेक्स फंड और इंडेक्स फंड के बारे में भी जानकारी देंगे, अभी थोड़ा सा समझेंगे तो थोड़ा सा समय लग जाएगा, इसलिए इक्विटी फंड इंडेक्स फंड को रहने देते हैं, 2 मिनट के बाद लास्ट में इसको हम समझाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग बढ़ जाते हैं यहाँ म्यूचुअल फंड में क्या होता है, लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड, मोमेंटम फंड, गैलेक्सी, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम लोग कर लेते हैं। चलिए ठीक, देखिए लार्ज कैप में होता क्या है कि आप लार्ज कैप में पैसा लगा रहे हैं तो इसमें बढ़ने की चांसेस और घटने के चांसेस, क्योंकि देखिए म्यूचुअल फंड बोलता है कि यहाँ रिस्क भी है, ऐसा नहीं है कि यहाँ रिस्क नहीं है। तो म्यूचुअल फंड में लार्ज फंड एक ऐसा फंड है जिसमें कि आपका बढ़ेगा भी कम स्पीड से और घटेगा भी कम स्पीड से, तो इसलिए ये थोड़ा सा सेफ मोड में होता है। कैसा मोड में, सेफ मोड, इसको आप लोग सेफ मोड बोलते हैं। मिड कैप में बढ़ेगा भी थोड़ा सा मीडियम और घटे भी मीडियम, लेकिन स्मॉल कैप में लोग ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए लेते हैं क्योंकि इसमें बाजार क्या है, दिन प्रतिदिन तो बढ़ता जा रहा है, बाजार तो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इसलिए स्मॉल कैप में लोग पैसा लगाना ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि यहाँ बढ़ता बहुत ज़्यादा है। यहाँ आप यदि स्मॉल कैप का रिटर्न देखेंगे तो आप देख के हैरान हो जाएंगे, उतना आपको कोई स्टॉक भी नहीं देगा जितना स्टॉक आपको स्मॉल कैप देता है। देखिए मैं स्मॉल कैप के बारे में आपको लग रहा होगा तो मैं लाइव देता हूँ, स्मॉल कैप मैं आपको खोल कर रखा हुआ हूँ इस ग्रुप में, आप देखिएगा एक क्वांट का स्मॉल कैप है, देखिएगा ध्यान से इसको, ये क्या है, क्वांट का स्मॉल कैप फंड है, इक्विटी फंड है, देखिए ये 1 साल में 71% का रिटर्न दिया है, 3 साल में 41 और 5 साल में 38%, लगभग 5 साल लगातार 38% का रिटर्न कितना मायने रखता है। तो 1 साल में 71% आपको कोई स्टॉक भी नहीं दे रहा है तो स्मॉल कैप क्यों दे रहा है, क्योंकि इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है। देखिए पैसा बनाना हो तो स्मॉल कैप में ही पैसा बनेगा। देखिए एक निपोन इंडिया स्मॉल कैप है, ये 1 साल में 56% रिटर्न दिया है, 3 साल में 35% और 5 साल में 30%। फिर देखिए टाटा स्मॉल कैप, ये देखिए सबका, देखिए स्मॉल कैप कितना रिटर्न दे चुका है, हम लोग कैलकुलेटर अगर यूज करें तो 15% पर यूज कर रहे हैं, लेकिन इसका आप डाटा देखिएगा तो कहेगा कहिएगा कि काहे लम स्टॉक खरीदे, हम तो म्यूचुअल फंड में क्यों ने पैसा लगाया। तो इसलिए स्मॉल कैप में पैसा बनता है, ठीक है, स्मॉल कैप में पैसा बनता है। और अगर मार्केट कोरोना जैसा हालात हुआ तो आप स्मॉल कैप में रहिए या लार्ज कैप में रहिए या मिडिल कैप में रहिए, पैसा तो आपका सगरो नीचे जाएगा, लेकिन स्मॉल कैप का पैसा ज्यादा स्पीड से नीचे भी जाता है तो ज्यादा स्पीड से बढ़ता भी है। तो आने वाले दिन में क्या है कि मार्केट बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा है, क्या है, मार्केट बढ़ने का चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज सब गेन करना चाह रहे हैं, सब सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा वित्तीय बाजार के बारे में जानकारी ले, शेयर बाजार के बारे में जानकारी ले, सब लोग म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं। तो यदि लोग जा रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट बढ़ेगा, मार्केट बढ़ेगा तो उसका वैल्यू बढ़ेगा और आपका पैसा भी बढ़ेगा, हर बार कोरोना जैसा स्थिति नहीं आने वाली है, ठीक है। तो इसी आधार पर स्मॉल कैप में थोड़ा सा पैसा बढ़ने के चांसेस ज्यादा रहता है। इंडेक्स फंड क्या होता है, इंडेक्स फंड है कि चलिए भाई ठीक है निफ्टी का 50 सबसे बड़ा कंपनी, या तो जैसे कि बोल देगा कि निफ्टी 250 निफ्टी में 50 वो का इंडेक्स, यानी 50 कंपनी
में हम पैसा लगा रहे हैं, यही कंपनी में अगर बढ़ेगा, इंडेक्स बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। मोमेंटम में होता है कि मोमेंट जो कंपनी करती है, 50 में 200 कंपनी ले लेगा, उसमें कहेगा जो 50 ज़्यादा मोमेंट करेगा पैसा आपका उसी में लगाएंगे। फ्लेक्सी में भी होता है यही है कि फंड मैनेजर आपका जो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर होता है, फंड मैनेजर क्या करता है कि आपका पैसा को अपने हिसाब से लगाता है। तो फ्लेक्सी कैप में भी कहेगा कि यदि स्मॉल कैप में पैसा अभी बढ़ रहा है तो स्मॉल कैप में वो लगा देगा, मिड कैप में पैसा बढ़ रहा है तो मिड कैप में वो लगा देगा, लार्ज कैप में पैसा बढ़ रहा है तो लार्ज कैप में लगा देगा। तो इस तरह से फ्लेक्सी कैप ये होते हैं। और एक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, टैक्स सेवर फंड। यदि कोई लोग नौकरी पेशा में है, नौकरी पेशा में है और अब टैक्स दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्पेशल है ईएलएस, टैक्स सेवर फंड। आप इसको में पैसा जमा करिए, 3 साल के लिए आपका पैसा लॉक हो जाएगा, लेकिन आप इसको टैक्स में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे फंड ऐसे हैं जिसमें ईएलएसएस लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? ईएलएसएस अगर जिसमें लगा रहेगा, यानी टैक्स, वो टैक्स सेवर फंड कहलाता है, ठीक है। तो टैक्स सेवर में आ गया, यदि आप टैक्स आपका लग रहा है तो आपको टैक्स दिखाना है, टैक्स आई जब फॉर्म भरते हैं, ठीक है, तो आईटीआर का, तो उस समय आपको इसको दिखा सकते हैं, इसमें इस फंड में आप पैसा जमा करेंगे। तो 3 साल के लिए यहाँ लॉक होता है पैसा, 3 साल तक एक बार पैसा डालेंगे तो 3 साल आप निकाल नहीं सकते। किसी को लगता है कि नहीं, सेक्टरल में हम पैसा लगाएंगे, यानी बैंकिंग में लगाएंगे, तो आप सिर्फ बैंकिंग में लगा सकते हैं। आईटी में लगाना चाहते हैं कोई तो आईटी में लगा सकते हैं, कोई चाहेगा नहीं नहीं हम सरकारी कंपनी जो है सिर्फ उसमें पैसा लगाएंगे, तो पीएसयू फंड में भी पैसा लगा सकते हैं। ये सब म्यूचुअल फंड में चुनने की आज़ादी होती है। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो कि आपको लगता है, जिस हिसाब से आपका रिस्क है, लगता है कि नहीं हम 2 रुपया कम कमाएंगे, हम लार्ज कैप में लगाएंगे, ना ही पैसा ज्यादा जाएगा ना ही ज्यादा पैसा आएगा, तो आप लार्ज कैप पकड़ लीजिए। मिड कैप में लगेगा कि नहीं, हम मोटा मोटी, हमको ना ज्यादा का उम्मीद है ना कम का उम्मीद है, हम मोटा बीच बीच में रहेंगे, तो आप मिड कैप पकड़िए, ठीक है। स्मॉल कैप पकड़िए, स्मॉल कैप में आपका थोड़ा रिस्क ज्यादा है, तो कमाई भी ज्यादा बढ़ने का चांस ज्यादा है। इंडेक्स में रहिए, अगर निफ्टी बढ़ेगा तो आपका भी पैसा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सब होता है म्यूचुअल फंड का, एक तरह का इंडेक्स टाइप का, ठीक है। बाकी आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे, अगर तो हम थोड़ा सा आप आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आइए, फिर आइए म्यूचुअल फंड में क्या देखते हैं, रिटर्न कैसे देखते हैं। तो रिटर्न तो मैंने आपको जस्ट दिखाया था, ठीक है। रिटर्न किसी भी कंपनी में आप अगर पैसा लगा रहे हैं, जैसे माना कि स्मॉल कैप में ही आप पैसा लगा रहे हैं, ठीक है, तो आप उसका रिटर्न देखिएगा। जैसे कि माना कि क्वांट स्मॉल कैप में आप पैसा लगाए, या तो आप निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड में, डायरेक्ट ग्रोथ में आप स्मॉल कैप का है, इसमें आप पैसा लगा रहे हैं, तो आप रिटर्न इसका देख लीजिएगा। रिटर्न क्या देखिएगा कि कम से कम पिछला साल देखिएगा, 1 साल के में कितना रिटर्न दिया है, तो 56%, 56.9% 1 साल में रिटर्न दिया है। 3 साल में कितना रिटर्न दिया है, तो 35% के आसपास, 36% के आसपास रिटर्न दिया, 35.9। और 5 साल का देखना है तो एक बार कम से कम 5 साल का रिटर्न देख लीजिए कि 5 साल में इन्होंने कितना रिटर्न दिया। यदि आप स्मॉल कैप में जिसको आप ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आप देख लीजिए कि 5 साल में जो अच्छा खासा रिटर्न दिया उसी कंपनी में जाना चाहिए। और भी उसमें क्या देखना चाहिए, एयूएम देखना चाहिए, मतलब एसेट अंडर मैनेजमेंट। तो ये चीज देख लिए आप, और उसके बाद आप क्या देखिए, एयूएम देख लीजिए इसका, कि ये कितना पैसा मैनेज कर रहा है। ये एयूएम जो है एसेट अंडर मैनेजमेंट, यानी इसके अंदर में जो कंपनी में आप म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगा रहे हैं वो कितना पैसा मैनेज कर रहा है। ऐसा ना हो कि अभी नया नया कंपनी आया है, आप उसमें पैसा लगाए और कल के डेट में वो क्या करे कि वो डूब जाए। लेकिन जिसके पास अच्छा खासा पैसा रहेगा, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, अच्छा, तो वो सब पैसा नहीं भागता है, वो सब पर भरोसा रहता है, ठीक है। उस सब पर लोग और भी पहले से भरोसा किए हुए रहता है, तो उसमें पैसा लगाना है। तो इसलिए कोई भी कंपनी लगाना है तो उसका क्या देखना है, एयूएम देख लेना है, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट देख लेना। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट देखने के लिए क्या करना पड़ता है, देखिए ये जाइए, क्या करिए, किसी भी जाइए, हम निपोन इंडिया स्मॉल कैप खोल लिए, ठीक है, आपके सामने खुलेगा। उसके बाद देखिए कैसे इसको देखते हैं, देखिए आपके सामने है निपोन इंडिया स्मॉल कैप फंड, डायरेक्ट स्मॉल कैप खोले हुए हैं। इसमें आप मिनिमम कितना से SIP शुरू कर सकते हैं, इसको आप SIP शुरू करते हैं, मात्र 100 रुपया से SIP शुरू कर सकते हैं, यानी आप 100 रुपया से भी शुरू कर सकते हैं। आपका मन है 100 रुपया शुरू करना, आपका एक इनकम बहुत कम है, 100 रुपया है तो 100 रुपया कर सकते हैं, आपको 200, 200, 400, 400, 500, 1,000, 10,000, 20,000, इतना से आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है। देखिए ये हम आपको देखने के लिए कह रहे थे, AUM बोल रहे थे कि इसके पास कितना AUM है। तो देखिए 45,749 करोड़, यानी अच्छा खासा AUM इसके पास है, 45,000 करोड़ वो ये मैनेज कर रहा है, तो ये कंपनी अच्छा खासा बड़ा है। तो इसीलिए इसी यही चीज देखना आपको है कि कंपनी बड़ा है या छोटा है। तो AUM हो गया ही, क्या हो गया ही, AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये चीज आप देख के
ही लगाएंगे पैसा, ठीक है। और भी आप चीज आपको क्या देखना, देखिए और क्या देखना आपको इसमें, पैसा किस में लगा हुआ, तो इक्विटी में 95% पैसा लगाया हुआ है, कौन कौन सेक्टर में लगाया हुआ वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। किस किस कंपनियां में लगाया वो भी देख सकते हैं, इसका रेशियो क्या है, ठीक है, सब कुछ देखते हैं। अल्फा क्या है, बीटा क्या है, देखिए अल्फा क्या होता है, अल्फा के बारे में भी मैं जानकारी दे देता हूँ यहीं पर, ताकि फिर कि अगला पेज में मैं देने वाला था लेकिन यही देता। अल्फा का मतलब है कि यदि कोई, जैसे कि माना कि ये निपोन है और भी कोई फंड होगा, ठीक है, तो ये इंडेक्स से, इंडेक्स फंड जो है, जो निफ्टी का इंडेक्स फंड चलता है, उससे कितना ज्यादा या कितना कम है वो अल्फा बताता है। किसी भी कंपनी का अल्फा माना कि ये 9.4 है, यानी ये क्या है कि इंडेक्स से 9.44% ज्यादा रिटर्न दिया है। कोई अगर इंडेक्स फंड में पैसा लगाए हुए है और कोई अगर निपोन इंडिया में पैसा लगाया हुआ, तो उसका 10% ज्यादा ये रिटर्न दिया, ये अल्फा बताता है। और बीटा देखिए क्या बताता है, बीटा बीटा क्या है, ये एनएससी और बीएससी का चाल बताता है, यानी एक पॉइंट बढ़ेगा तो आपका, इसका आप जो ये स्मॉल कैप फंड खोले हुए हैं निपोन इंडिया का, तो एक पॉइंट बढ़ेगा एनएससी यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो है निफ्टी 50, एक पॉइंट बढ़ेगा तो ये कितना चाल बढ़ेगा, 0.8 चाल बढ़ेगा इसका, ये एक 0.8 बढ़ेगा एनएबी में इसका, अगर एक पॉइंट घटेगा तो 0.8 घटेगा, ये होता है बीटा। तो ये दोनों को देखना होता है, ठीक है। कम से कम अल्फा अच्छा खासा अगर 5% 4% ज्यादा दिया है, 2% ज्यादा है तभी देना है, माइनस में रहे तो इसको पैसा नहीं लगाना है, याद रखिएगा। ये प्लस में ही होना चाहिए, अल्फा प्लस में होना चाहिए। और बीटा, बीटा तो जैसा हिसाब से आप रिक्स है वो हिसाब से देख लेना है। यदि बीटा लार्ज कैप में लगाएं तो इसका वैल्यू 0.4 हो जाएगा, 0.3 रहेगा। अगर मीडियम कैप में लगाएं तो 0.56 के आसपास रहेगा, और ये स्मॉल कैप है तो 0.8 है, किसी किसी का एक से भी ज्यादा है, यानी एक से ज्यादा चाल में चलता है, ठीक है। अल्फा अगर निफ्टी एक पॉइंट बढ़ा तो इसका भी एक पॉइंट बढ़ जा रहा है। तो बीटा आपका रिस्क देखता है, आपका किस तरह से एनएससी बढ़ रहा है तो आपका ये बीटा भी बढ़ता है और उस हिसाब से घटता है, ठीक है। यानी बाजार अगर मार्केट गिरा तो जिस हिसाब से निफ्टी गिरेगा उस हिसाब से इसका गिरेगा, रेशियो से, वही रेशियो से गिरेगा जिस रेशियो से यहाँ बीटा का मान है, बात तो आप समझ गए होंगे। तो अल्फा और बीटा का कहानी अगर आपके बारे में अगर आगे आगे तो यहाँ से आप समझ गए। चलिए ठीक है, और क्या है, मिनिमम एसआईपी इसका 100 है, बाकी देखिए फंड रिटर्न कितना कितना दिया है तो देख ही लिए आप, ठीक है। ऑल टाइम 26%, ऑल टाइम भी एक बार देख लीजिएगा, हाँ एक बार आपको यहाँ से देख लीजिए पहले। और रिटर्न क्या हो गया, रिटर्न कितना साल का देखना है, तो 5 साल का देखना है, मैंने जस्ट चर्चा कर दिया हूँ, 5 साल देखिए। ज्यादा जब किसी फंड में पैसा लगा रहे हैं तो 3 साल या 5 साल जरूर देखिए, 1 साल देख के रिटर्न पैसा नहीं लगाना है, 3 साल या 5 साल देखना है, या तो फिर ऑल टाइम का देखना है। कितना टाइम का देखना है, ऑल टाइम में अब तक कितना दिया है, ऑल टाइम में जितना देगा उस हिसाब से ऑल टाइम का देख के लगाना है। एयूएम हो गया कि एसेट अंडर मैनेजमेंट में कितना है, कितना पैसा वो मैनेज कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना है, फिर और क्या देखना है आपको, हर चीज में आपको देखा बताऊंगा म्यूचुअल फंड के बारे में, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, देखिए एक्सपेंस रेशियो के बारे में आप थोड़ा सा समझ लीजिए। एक्सपेंस रेशियो का मतलब होता है कि जब आप माना कि 10 साल के बाद पैसा निकाल रहे हैं, 10 साल या 5 साल के बाद यदि आप पैसा निकाल रहे हैं, तो इतना दिन से आपका फंड मैनेजर आपका पैसा को मैनेज कर रहा है, बाजार गिर रहा है तो पैसा जिस स्टॉक में पैसा लगाया वो गिर रहा है तो उसको बदल के दूसरा में लगा रहा है। उसके लिए आपके आपने आप तो दूसरा काम में फंसे हुए हैं, आप नौकरी कर रहे हैं या तो फिर कोई बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आपका पैसा जो देख रहा है वो भी तो कुछ ना कुछ चार्ज लेगा इसके बदले में, देखने के बदले में। तो वही एक्सपेंस रेशियो होता है, जिस दिन आप पैसा निकालिएगा उस दिन आपको एक कुछ राशि जो कि 1% से थोड़ा सा कम ही रहता है तो वो होता है। तो हर फंड का अलग अलग है, देखिएगा कि निपोन इंडिया का हम लोग खोल के बैठे हुए हैं तो निपोन इंडिया का एक्सपेंस रेशियो कितना है देख लीजिएगा, 0.7% है। यानी आप यदि 1 लाख रुपया, यदि आप एक अगर आप 100 रुपया निकाल रहे हैं तो 7 पैसा लेगा, ठीक है। 100 रुपया आप निकाले 7, मतलब 1% से कम, 0.7%, आप जितना आपका पैसा रहेगा लास्ट में उस हिसाब से आपको ले लेगा। तो ये रहा एक्सपेंस रेशियो। फिर आपके थोड़ा सा आप समझ जाइएगा नेक्स्ट पॉइंट में, एक्सपेंस रेशियो अगर आप समझ गए हैं
तो आप एग्जिट लोड के बारे में थोड़ा सा समझ, एक्सपेंस रेशियो समझने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जितना पैसा आपके पास लास्ट में आप निकालिए, माना कि आपने 20 साल जमा किया, 1 करोड़ रुपया जमा हो गया, 50 लाख रुपये जमा हो गया, तो उसका 0.7% आपको काट के देगा आपको, ठीक है, वो हो गया एक्सपेंस। ये म्यूचुअल फंड का मैनेजर, म्यूचुअल फंड का कंपनी लेगा, जो ब्रोकर है वो लेगा, एक्सपेंस रेशियो उसका रहता है। एग्जिट लोड क्या होता है, एग्जिट लोड के बारे में चर्चा कर देते हैं। यदि आपने पैसा आज लगाया, ठीक है, और कल आपको निकालना पड़ जाए, तो कंपनी ने आपका पैसा लगाया है ये सोच के ना कि कुछ दिन लगल रहेगा, लेकिन आपने आज लगाया और कल आप निकलवा रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया है ना कि कंपनी बोल दिया है कि कुछ दिन फिक्स कर देता है कि आप इतना दिन के अंदर नहीं निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको हम लेके चलते हैं इसी का एग्जिट लोड दिखाते हैं, निपोन इंडिया का ही। तो देखिए निपोन इंडिया का एग्जिट लोड क्या है, एग्जिट लोड 1%, यदि 1 साल के अंदर 1% आप, 1 साल के अंदर यदि आप रिडीम करते हैं, यदि पैसा निकालते हैं तो 1% आपका लग जाएगा। तो हर फंड का अलग अलग है, किसी का 15 ही दिन रहता है, किसी का महीना रहता है, ठीक है, यदि महीना के अंदर निकालेंगे तो 1% लग जाएगा, कोई किसी का 15 ही दिन का रहता है, कि यदि 15 दिन के अंदर निकालेंगे तो आधा परसेंट 1%, सब अलग अलग कंपनी का अलग अलग तय रहता है। तो ये मैंने खोल के रखा हूँ किसका, मैं हम लोग निपोन इंडिया का खोल के रखे हैं, तो निपोन इंडिया के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, निपोन इंडिया का, ठीक है, कि ये इसका एक लोड कितना है, 1% है, 1 साल के अंदर अगर आप पैसा निकालते हैं तो 1% ले लेगा, ठीक है। बाकी एग्जिट लोड भी आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप माना कि 10,000 रुपये आप जमा किए और आप क्या करना चाहते हैं कि निकालना चाहते हैं, आज आज जमा किए और 1 सप्ताह बाद आपको काम पड़ गया, अब निकालना चाहते, तो आप उसके हिसाब से नहीं हुआ तो आपको 1% ले लेगा। यदि ऐसे बहुत सारे फंड है जिसमें मात्र 15 दिन का टाइम दिया हुआ है, ठीक है, जैसे कि आपका हो गया आदित्य बिरला का PSU फंड, इस सबका 15 ही दिन का समय है, किसी का 1 महीना का समय रहता है, किसी का 6 महीना का समय रहता है। तो एग्जिट लोड सबका अलग अलग होता है, अलग अलग परसेंटेज होता है, ठीक है। पराग पारिक का तो और 2% है यदि 1 साल के अंदर निकालेंगे, तो अलग अलग म्यूचुअल फंड का अलग अलग है, इसमें हम लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। बाकी जो आपके पास उपलब्ध डाटा हो हिसाब से आप काम करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं और क्या पॉइंट है, NAV क्या होता है और फोलियो नंबर क्या होता है। देखिए NAV के बारे में यदि मैंने इसी इसी को लेकर चलता हूँ, NAV वही जिसे किसी शेयर का प्राइस, जैसे एक तरह का आप स्टॉक खरीद रहे हैं, ठीक है, तो उसका प्राइस होता है। मैंने निपोन इंडिया का खोल कर रखा हूँ, ठीक है, तो निपोन इंडिया में जो 162 चल रहा है, ये NAV, इसको पकड़ दीजिए आप, NAV 18 अप्रैल तक का जो NAV का दाम है 162 रुपये, यानी एक तरह का स्टॉक का प्राइस अभी 162 रुपया चल रहा है, यही घटेगा और बढ़ेगा, यही 162 रुपया, 162.28, माना कि आज खरीदेंगे तो 162.28 रुपया का एक यूनिट मिलेगा हमको, एक तरह का एक शेयर का दाम है, ठीक है, तो यही घटेगा और यही बढ़ेगा तो आपको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये NFO जो है शुरू होता है 10 रुपया से, जब शुरू होगी एन जब शुरू ये निपोन इंडिया का जब शुरू हुआ होगा तो उस दिन इसका मूल 10 रुपया था, और ये बढ़कर अभी हो गया 162 रुपया, यानी इतना परसेंट जब सब हुआ है उतना परसेंट उतना दिन में ये रिटर्न दिया है। तो यही धीरे धीरे 10 रुपया से बढ़ बढ़ के धीरे धीरे कितना हो गया है, 162 रुपये, यही हुआ है। तो ये 162 रुपये ये आगे वाले दिन में जब बढ़ेगा तो आपका भी दाम बढ़ेगा, यदि आप घटेगा तो आपका भी जो पैसा आप जमा करेंगे उसका वैल्यू घटेगा। तो यही घटता है यही बढ़ता है, ठीक है, तो NAV ही बढ़ता है और घटता है, इसी बात मोटा मोटी याद रखिएगा, ठीक है। तो यही NAV है, एक तरह का यूनिट है, ठीक है, इसको जितना पैसा लगाइएगा इसी हिसाब से उतना यूनिट आपको दे देगा। चलिए NAV अगर आपको समझ में आ गया तो फोलियो नंबर आप समझ लीजिए, फोलियो नंबर होता है क्या, एक फोलियो नंबर आप जब किसी भी कंपनी का खरीदेंगे, जैसे कि निपोन इंडिया के माना कि आप खरीदे तो आपको एक फोलियो नंबर देगा, जैसे कि आप माना कि बैंक SBI बैंक में आप खाता खुलाते हैं तो एक बैंक अकाउंट नंबर देता है कि चलिए भाई आपका ये अकाउंट नंबर रहा, इसी तरह से आप अगर निपोन इंडिया का खोलेंगे तो आपको एक फोलियो नंबर देगा, ताकि आप यदि आपका गरो माना कि गरो ऐप को से आप लगा रहे हैं पैसा, गरो ऐप भाग गया तो पैसा आपको कैसे मिलेगा, तो ये फोलियो नंबर रहेगा आपके पास, क्योंकि आप ईमेल पर ही बार बार रोज रोज मैसेज आता है, तो फोलियो नंबर ईमेल पर भी रोज आता है, आपके मोबाइल नंबर जो लिंक रहता है उस पर आता है, ठीक है, ठीक है। अब ये फोलियो नंबर आपको याद रहेगा तो आपको कोई भी ग्रो भाग गया, जीरोधा भाग गया, कुछ भी भाग गया, तो आपको इसी नंबर से आपको पैसा मिल जाएगा, पैन कार्ड में जैसे ही डालेगा तो ये आपका फोलियो नंबर शो करेगा,
बहुत सारा उपाय है। फोलियो नंबर गुम भी हो गया तो भी बहुत उपाय है, ठीक है। तो ये फोलियो नंबर होता है, समझिए एक तरह का आपका अकाउंट नंबर टाइप के रहेगा, जिस हर फंड का ये हर अलग अलग नंबर रहता है और अपना अपना सबका रहता है, ठीक है। तो फोलियो नंबर सबका अलग अलग, जैसे कि अभी हम निपोन इंडिया की बात कर रहे थे, तो निपोन इंडिया का फोलियो नंबर आपको, आप पैसा उसमें जमा करेंगे तो आपको फोलियो नंबर देगा, और वही फोलियो नंबर से आपको पैसा मिलेगा यदि आपका है भाग गया, नहीं तो फिर है तो फिर ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो इससे इतना जानकारी अगर है तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। फिर आएगा कि चलिए भाई हम म्यूचुअल फंड पैसा लगाएं, 1 साल लगाएं, 2 साल लगाएं, एकाएक हमको पैसा का बारी आ गया तो हम कैसे क्या करें। तो पैसा का बारी तो एक रिडीम का ऑप्शन होता है, क्या होता है रिडीम का ऑप्शन, रिडीम का मतलब आप पैसा निकाल लीजिए, लग रहा है कि मार्केट कल गिर जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा तो हमारा पैसा निकालना चाहते तो पैसा रिडीम कर लीजिए, पैसा को निकाल लीजिए। तो रिडीम का मतलब होता है पैसा निकालना, ठीक है, क्लेम करना कि हम रिडीम करेंगे, ठीक है। तो ये रिडीम ऑप्शन हमसे आप पैसा निकालते हैं, जबकि स्विच ऑप्शन आपके पास है कि लगेगा कि नहीं निपोन इंडिया से हम क्वांट क्वांट में जाना चाहते हैं, या तो हम दूसरा फंड, इस फंड से दूसरा फंड में हम जाना चाहते हैं, तो उसके लिए स्विच का ऑप्शन है, सभी फंड में स्विच का ऑप्शन रहता है, ठीक है। तो आप या तो स्विच कर सकते हैं, अगर एक फंड से दूसरे फंड में जाना चाहते हैं, लगेगा कि आपका फंड लार्ज कैप का फंड है, ज्यादा रिटर्न नहीं दे रहा है, तो हम क्या करेंगे स्मॉल कैप में चल जाए या दूसरा फंड में चल जाए, तो उसमें आपका ऑप्शन आएगा स्विच करने का, आप स्विच कर जाइएगा, ठीक है। तो या तो आप रिडीम, रिडीम से आप पैसा बाहर निकाल लीजिएगा, आपका अकाउंट में आ जाएगा, और स्विच से पैसा एक फंड से दूसरे फंड में जाता है। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, चलिए ठीक। आइए फिर म्यूचुअल फंड में आइए कि इसमें टैक्स कैसे लगता है, स्टाम्प ड्यूटी क्या आता है। देखिए स्टाम्प ड्यूटी के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। स्टाम्प ड्यूटी 0.005%, मतलब कि 1,000 में आपका 1,000 में 5 पैसा लगेगा, लेकिन इतना नहीं कटता है, 1 रुपया आसपास कट जाता है आपका, ठीक है, 1 रुपया लग जाता है आपका। जैसे आप 10,000 भी जमा करेगा, 20,000 जमा करिएगा तो 1 रुपया आपका लग जाएगा, इतना पैसा कम नहीं कटता है, 1 रुपया कट जाता है, ठीक, क्योंकि वो कम दिखता है। लेकिन इतना ही है, आप 20,000 जमा करेंगे तो स्टाम्प ड्यूटी जो सरकार के पास जाता है 1 रुपया के आसपास चल जाएगा, आप 5,000 भी जमा करेगा तो 1 रुपया चल जाएगा, 1,000 भी जमा करेगा तो 1 रुपया चल जाएगा, ठीक है। और टैक्स कैसे लगता है, अब इसमें ये इन्वेस्टमेंट पर होता है, जिस दिन आप इन्वेस्टमेंट करिएगा, माना कि आज हम 1,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो 999 रुपया ही जाएगा आपका म्यूचुअल फंड में, 1 रुपया सरकार ले लेगा, आप 20,000 भी जमा करेंगे तो 1 ही रुपया सरकार लेगा। ये 0.005% है, बहुत ज्यादा अमाउंट हो जाएगा तो ये कैलकुलेशन करेगा, नहीं तो फिर 1 रुपया काट लेगा। जैसे कि 1 करोड़ है तो 0.005% करेगा, भले 2-3 रुपये उसको बन जाए, लेकिन अगर आपको 2,000 रुपये जमा करें, 1,000 जमा करें तो आपको 1 रुपया काट लेगा। टैक्स इंप्लीकेशन कैसे होता है, टैक्स के बारे में थोड़ा सा आप चर्चा में कर देता हूँ, ठीक है, कि टैक्स कैसे लगता है। टैक्स देखिए, यदि आप 1 साल के अंदर निकालते हैं पैसा, कोई पैसा जमा किए 1 साल के अंदर निकालते हैं, तो 1 लाख का प्रॉफिट छोड़ के, जितना आप माना कि आप 5 लाख रुपया आपका म्यूचुअल फंड से कमाई हुआ, प्रॉफिट हुआ कितना 5 लाख, ठीक है, तो 5 लाख में 5 लाख पर टैक्स आपका नहीं लगेगा, 4 लाख पर टैक्स लगेगा, ठीक है, 4 लाख पर आपका टैक्स लगेगा, क्योंकि 1 लाख टैक्स, 1 लाख का प्रॉफिट माफ है। उसके बाद 4 लाख पर क्या होगा, 4 लाख पर देखेगा कि आप कितना दिन से बने हुए हैं। यदि आप 1 साल के अंदर में आप कमाए हैं पैसा, 1 साल के अंदर पर 15% लगेगा, 1 साल के बाद पर 10% लगेगा, 1 साल के बाद अगर 1 साल से ज्यादा इन्वेस्ट है तो उसमें 10% का टैक्स लगेगा, जबकि 1 साल के अंदर मतलब निकालिएगा तो 15% टैक्स लग जाएगा। तो कोई भी चाहता है कि आदमी जब पैसा निकालता है तो 1 साल के अंदर थोड़ी के कोई निकालता है, सब 1 साल के बाद ही निकालता है, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, तो उसमें समझिए कि आप कमाइएगा तो उसका 10% आपको टैक्स देना पड़ेगा, जो कि उस समय बड़ा अच्छा खासा, यदि 1 करोड़ आपके पास हो गया तो आपको 10 लाख रुपया टैक्स लग जाएगा आपका, ठीक है। तो वो टैक्स तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप बैंक से ज्यादा है, रिक्सी है, जुआ तरह का खेल रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, तो टैक्स का सिस्टम ये है, आप जान लीजिए। 1 साल के बाद आप पैसा निकालते हैं 10%, 1 साल के अंदर पैसा निकालते हैं तो 15%, बशर्ते कि आपका 1 लाख प्रॉफिट को माफ, ये प्रॉफिट पर लगता है। एक चीज जान लीजिए, आपका पैसा जमा किए हैं माना कि 1 करोड़, उसमें 1 करोड़ में आप 50 लाख हो सकता है, 10 लाख रुपये आप जमा किए हैं अपना पैसा, तो आपका पैसा पर टैक्स नहीं लगेगा, जो प्रॉफिट हुआ है उस पर टैक्स लगता है, ठीक है, आपका इन्वेस्टमेंट पर टैक्स नहीं लगता है। इन्वेस्टमेंट पर स्टाम्प ड्यूटी लगता है, जो कि बहुत कम होता है, 0.005%। टैक्स लगता है आपका प्रॉफिट पर, प्रॉफिट जितना हुआ है उसका 1 लाख छोड़ के बाकी पर टैक्स लगता है म्यूचुअल फंड में। तो टैक्स का भी कंसेप्ट
कहानी खत्म हो गया होगा, तो हम लोग अब नेक्स्ट चलते हैं, और भी कोई पॉइंट बच गया होगा। तो ये अल्फा और बीटा तो मैंने समझा दिया था उस समय ही कि अल्फा क्या होता है। अल्फा बताता है कि इंडेक्स, जो इंडेक्स है माना कि टॉप 50 कंपनी का जो इंडेक्स है उससे कितना ज्यादा है आपका आपका वाला, या जिस म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा रहे हैं, या कितना कम है। यदि 1% यदि किसी म्यूचुअल फंड का अल्फा 1 है, यानी ये इंडेक्स फंड से 1% ज्यादा है। यदि किसी अल्फा किसी म्यूचुअल फंड का 2 है, तो इंडेक्स परसेंट इंडेक्स से 2% ज्यादा दे रहा है। ठीक है, इंडेक्स का जो भी फंड है उससे 2% ज्यादा दे रहा है। सोच लीजिए अगर किसी का 10 है अल्फा, तो इंडेक्स से 10% ज्यादा दे रहा है। तो ये सब स्मॉल कैप में ही 8, 9, 10 ये सब स्मॉल कैप में ही देखने को मिलेगा। 10% ज्यादा, 15% ज्यादा तो स्मॉल कैप में ही देखने मिल सकता है। और बीटा मैं बता चुका हूँ कि ये चाल देखता है, एनएससी का और बीएससी का चाल दिखाता है। यानी किसी का बीटा 1 है, यानी अगर एनएससी का यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 का अगर 1 पॉइंट बढ़ेगा, तो इसका भी एक के चाल से ही भी आगे बढ़ेगा, और 1 पॉइंट घटेगा तो ये भी एक चाल से घटेगा। तो ये भी बीटा क्या होता है, उसका चाल दिखाता है। तो मोटा मोटी चीज आप समझ गए होंगे कि म्यूचुअल फंड के बारे में, कि ये चीज आपको देखना है कि क्या होता है। और क्या समझना चाहते हैं, एक बार आपको मैं गुरु ऐप पर लेक्चर ले जाता हूँ दोबारा, ठीक है, और एक बार देख लीजिए आप कि किस कंपनी को कैसे इंडेक्स फंड कैसे देखना है, लार्ज कैप कैसे करना है, एसआईपी कितना से मिनिमम 500 के एसआईपी कौन है, ठीक है, और लार्ज कैप वाला देख लेना है कि कौन कौन है अच्छा, कौन कौन रिटर्न दिया है। लार्ज कैप में देख लीजिए निपुण इंडिया अच्छा रिटर्न दिया है 5 साल में 17% के आसपास, आईसीसी प्रेसिडेंशियल 18%, ठीक है, कैनरा रोबोको 18%। तो सबका पहले एक बार देख लेना है अच्छा से, उसके बाद अपने से चूज करना है, ठीक है, तभी जाके पैसा लगाना है। और हाई रिटर्न में देख लीजिए कि अभी तक सबसे ज्यादा क्या पैसा दिया है इस साल, तो इस साल देख लीजिए कि सबसे ज्यादा आदित्य बिरला का पीएसयू फंड दिया है। देखिएगा 1 साल में कितना परसेंट दिया है, तो 93% रिटर्न दिया है, देख लीजिए ध्यान से। तो 93% आपको लगभग दोगुना कर देना है, किसी भी पैसा को दोगुना कर देना बहुत मायने रखता है, ठीक है। तो कोई 93% कर रहा है 1 साल में, कोई 90% कर रहा है, कोई 68% कर रहा है, कोई 80% कर रहा है। तो म्यूचुअल फंड का यही खूबसूरती है, बाद में आप भले 5 साल के बाद ये 5 साल में कैलकुलेटर करिएगा तो 24%, 21%, 26% दिखेगा, तो ये भी कम नहीं होता है। आपका बैंक आपको 5% दे रहा है, 4% दे रहा है, एफडी करिएगा तो 6, 6.5 दे रहा है, ये लोग इतना दे रहा है, तो समझिए म्यूचुअल फंड सोच लीजिए कितना ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो इतना आप समझ लिए तो एक चीज आप देख लीजिए, यदि आप कैलकुलेटर पर भी जा सकते हैं, यदि कैलकुलेटर में आप यदि आप माना कि 500 रुपये जमा कर रहे थे, अभी आप क्या करिए 3,000 रुपये जमा करिए, एक मिनिमम अमाउंट जैसे आप सहारा में जमा करते हैं, ठीक है, सहारा में जमा करते हैं जिस तरह से आप, या तो फिर आप एलआईसी में जमा करते थे, सहारा में पहले जमा करते थे भाग गया, उसी तरह एलआईसी में जमा कर रहे हैं, उसी तरह से आप क्या करिए म्यूचुअल फंड में जमा करके 3,000 रुपया पर मंथ आप जमा करके देखिए, और कितना जमा होगा 25 साल तक अगर आप जमा कर दिए, देखिए 25 साल में आपका लगभग 1 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। 25 साल में आपका 3,000 पर महीना 1 करोड़ पुर जाएगा आप, इसलिए 3,000 भी आपके लिए, मैं 15% का एनुअल रिटर्न जोड़ रहा हूँ, मात्र 15%। और जबकि हम लोग अभी तुरंत देखे हैं कि सबका एनुअल रिटर्न देख लीजिए कितना है, 5 साल में 24%, 21%, 36%, 27%। सोचिए इस रेट से अगर आपको मिलेगा इंटरेस्ट तो आपका अमाउंट कितना बढ़ जाएगा, समझ रहे हैं, आपका अमाउंट जो है उस रेट से अगर बढ़ गया, जिस रेट से दे रहा है उस रेट से अगर अमाउंट बढ़ गया, ये अमाउंट अगर आप 20% कर लें, 20% का रिटर्न कर लें, 22% का रिटर्न कर लें, देख लीजिए कितना बढ़ जाएगा, बढ़ के 3 करोड़ हो जाएगा। लेकिन हम लोग उतना नहीं है, हम लोग सोच रहे हैं कि चलो भाई 15 ही% के हिसाब से बढ़ेगा। अब 3,000 महीना 25 साल अब जमा कर दिए, आप 20 साल भी जमा करिए तो 20 साल भी देख लीजिए, 20 साल बहुत, 20 साल भी बहुत बड़ा समय होता है, 20 साल में भी आप 1 करोड़ रुपया कमा सकते हैं अगर इस रेट से चल गया तो। लेकिन हम लोग उतना नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं सिर्फ 15 ही% के हिसाब से बढ़े, ज्यादा हम लोग लोभी नहीं बनेंगे, 15% के हिसाब से मोटा मोटी हर साल 15% बढ़ ही जाता है, और स्मॉल कैप में तो इजी से 15% 20% बढ़ता है। तो 15% के हिसाब से बढ़ेगा भी तो कितना बढ़ेगा, 20 साल में 45 लाख के आसपास हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छा खासा अमाउंट आपको रिटर्न दे रहा है, ठीक है, 25-20 साल में। या अगर आप 25 साल कर देते हैं तो सोच लें कितना बढ़ जाएगा आपका, 25 साल में 98 लाख रुपए, 1 करोड़ के आसपास आपका अमाउंट हो जाएगा। तो यही है म्यूचुअल फंड, जो कि एक लंबा समय आपको थोड़ा सा लगेगा,
जो जितना दिन टिक गया, ठीक है, जो जितना दिन टिक गया म्यूचुअल फंड में उसकी पैसा उतना बना लेगा। आप मत देखिए मार्केट में अभी क्या हो रहा है, गिर रहा है, बजड़ रहा है, क्योंकि आप एक दिन के लिए पैसा नहीं लगा रहे हैं, आप 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए पैसा लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखकर म्यूचुअल फंड स्टार्ट करना चाहिए, सभी को स्टार्ट करना चाहिए। आने वाले दिन में मार्केट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घटेगा नहीं, ये चीज जान लीजिए, ठीक है। तो आप नहीं, आपको अभी समझ में आ रहा है, तो आप शुरू मात्र 500 के SIP से करिए, ज्यादा नहीं करिए। 500 का महीना एक अकाउंट खोल लीजिए, किसी में ग्रुप में ही खोल लीजिए या आप स्टॉक में खोल लीजिए, 500 रुपया महीना डालना शुरू कर दीजिए। सो उसको भूल जाइए, 15 साल, 20 साल के लिए उसको भूल जाइए। यदि आपके पास बीच बीच में है, बीच बीच में 2000, 4000, 5000 आ जाता है, तो वन टाइम का भी ऑप्शन बहुत सारे फंड में रहता है, वन टाइम कर दीजिएगा। वन टाइम के मतलब हमारे पास आज 5000 रुपया आ गया, हम 500 के SIP चला रहे हैं और 500 और आ गया, तो मतलब 5000 रुपये मेरे पास आ गया, तो वन टाइम का ऑप्शन वहां पर रहता है, उसमें डाल दीजिए 5000, फिर आप 500 के SIP आपका कटते रहेगा। फिर लमसम माना कि कभी हमारे पास लमसम अमाउंट 1 लाख रुपया कहीं से आ गया, ठीक है, तो एक डालना हो तो आप उसको भी डाल सकते हैं। तो ये सब होता है म्यूचुअल फंड में, या तो फिर आप SIP सिर्फ कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन SIP करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, आने वाले भविष्य में अच्छा रिटर्न देना है। तो नहीं तो अगर आप SIP नहीं करते हैं तो क्या होता है, आप महंगाई दर 7.5% बढ़ रहा है, कितना, हर साल 7.5% बढ़ रहा है, और बैंक में आपको FD भी 7.5% नहीं दे रहा है। तो यानी जितना पैसा बैंक में रखिएगा उसका वैल्यू और धीरे धीरे कम हो रहा है, ना कि बढ़ रहा है। तो आप बैंक में पैसा रखे हुए पैसे आपका क्या हो रहा है, उसका वैल्यू घट रहा है, आपको FD भी कराएगा तो उसका वैल्यू घट रहा है, और ऐसे सेविंग अकाउंट में रखा हुआ तो छोड़ ही दीजिए, ठीक है। कोई भी मोटर, जैसे पहले मोटरसाइकिल आप 80,000 में लेते थे, एक साल के बाद 85,000, दूसरे साल के बाद 90,000, तो अब जो हिसाब से आपका पैसा 80,000 रुपये बैंक में रखे हैं, अगला साल 85 हुआ तो मोटरसाइकिल के दाम भी 85 हो गया इधर। अगर आप अगला साल आपका मोटरसाइकिल के दाम 1 लाख हो गया और आपका पैसा का दाम 85,000, 90,000 ही है, तो धीरे धीरे क्या होगा, पैसा का वैल्यू आपका घट जाएगा। लेकिन आप अगर म्यूचुअल फंड में डाल रहे हैं तो वो पैसा का वैल्यू जैसे ही आपको 12%, 15% रिटर्न मिलेगा, तो वो पैसा का वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगा, और लंबा समय अगर आप टिक गए तो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगा, आपको बुढ़ारी में एक लाठी के तरह काम करेगा ये पैसा आपको। और इससे बढ़िया मैं समझाने का जो भी प्रयास किया हूँ, इससे अच्छा तो मैं अगर पेड वीडियो में समझाता तो ज़्यादा मुझे फायदा भी हो जाता, ज़्यादा लोग को समझ जाता। ये फ्री था तो फ्री में भी मैंने ये समझ के पढ़ाया, ताकि मैं टोटल का टोटल, मेरे पास सभी ने पेड करके पैसा पेड किया हुआ है, ये समझ के मैंने इसमें थोड़ा बहुत नॉलेज दिया हूँ। इससे रिलेटेड आप कमेंट करिएगा तो मैं और भी नॉलेज देता रहूंगा, आपका फंड को सेलेक्ट करने में आपको साथ दूंगा, आपको किसमें घरों में किसमें खाता खुलाना है, किस डिमेट अकाउंट में खाता खुलाना है, उसमें किस फंड में आपको किसी तरह से समस्या होगा तो आप चाहे तो कमेंट कर सकते हैं वीडियो में, हर चीज़ में आपका मैं सपोर्ट करूंगा। और इसमें कोई मुझे कोई फायदा नहीं होगा, ना ही मुझे कोई नुकसान होगा, यदि आप लीजिएगा तो आपको फायदा भविष्य में करेगा। लेकिन हाँ, यदि आप ये सब सीख गए, फिनेंशियल लर्निंग अभी आप समय रहते सीख गए, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आने वाला दिन आपका उज्ज्वल भविष्य रहेगा। इसलिए अभी जितना जल्दी आप शुरू करिए, क्योंकि सारा का सारा खेल समय का, इसमें जो समय ज्यादा दिया है पैसा उसने ज्यादा बनाएगा म्यूचुअल फंड में आने वाला दिन में, शेयर बाजार का म्यूचुअल फंड, क्योंकि म्यूचुअल फंड एक ऐसा फंड है जिसमें आपको पढ़ने का जरूरत नहीं है, ना ही समझने का जरूरत है, आपका पैसा कोई और मैनेज कर रहा है, और वो भी बहुत कम फी में। पहले जमाने में ऑफलाइन जब होता था काम, तो 2%, 3% फी लेता था, जो एक्सपेंस रेशियो था वो पहले 3% रहता था। देखिए एक्सपेंस रेशियो के बारे में जो मैं चर्चा कर रहा हूँ, जो एक्सपेंस रेशियो जो था, ये रेशियो पहले जो था, जब ऑफलाइन सब, जब सब कुछ ऑफलाइन था और म्यूचुअल फंड में लोग पैसा जमा करते थे, तो एक्सपेंस रेशियो 2 से 3% लेता था, और वो अब बच गया है कितना, 2 से 3% सोचिए लेता था पहले जब ऑफलाइन काम होता था, तो तब भी लोग पैसा जमा करते थे, लेकिन अब तो मात्र 1% भी नहीं ठीक से ले रहा है, 1% से आधा परसेंट और 1% के बीच में ही सबका एक्सपेंस रेशियो है। तो सब मात्र आधा परसेंट में आपको पैसा आपको मैनेज कर रहा है। तो समझ लीजिए आने वाला दिन में आपको कोई काम आप करते हैं, कोई काम करते रहिए, म्यूचुअल फंड में पैसा जमा करिए, और आने वाला दिन में 10 साल, 20 साल बाद, जब 30 साल के बाद आपको जब पैसा का जरूरत पड़ेगा मोटा, तो यही आपको काम देगा। इसी शब्द के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। ये वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर दे, और कुछ नहीं समझ में आए, कोई ऐसा पॉइंट हो जो नहीं समझ में आए, आप कमेंट जरूर करें, मैं दोबारा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।